सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैंने बहुत सारे मैसेज देखे थे इंस्टाग्राम पे, मुझे आए थे कि बहुत सारे लोग बोलते कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई किया था और जो प्रोग्राम कर रहे हो हाउस बिल्डिंग, उसके लिए अप्लाई कैसे किया था। तो जो वीज़ा का जो प्रोसेस था, मैंने एक आई थिंक दो वीडियो बनाया उसके बारे में। वीज़ा का एकदम सिंपल प्रोसेस था, आपको सिर्फ एक जो अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और जब मैंने अपॉइंटमेंट बुक की थी वीज़ा के लिए, जो कि स्पेशल ट्रेनिंग वीज़ा है हाउस बिल्डिंग का, उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आता है, वो उस कैटेगरी में आता है। उसमें आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और फिर जब आप अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करोगे तो आपको उस टाइम पे पैसे नहीं देने। VFS में करो या शायद कॉन्सुलेट में करो, जर्मन कॉन्सुलेट में मुंबई, फिर पुणे में भी है VFS, फिर दिल्ली, ऐसी जगह पे आप उनके वेबसाइट पे जाके जब अप्लाई करोगे, तब आपको जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तब आपको पैसे पेमेंट नहीं करना। उसके बाद फिर जब मैंने किया था उस टाइम पे ये प्रोसेस था, तो मैं वही बता रहा हूँ। अभी अगर अपडेट हो गया होगा तो आप चेक कर लो एक बार, लेकिन जो एक नॉर्मल प्रोसेस तरीका है वो यही है कि आप वेबसाइट पे जाओ। VFS में कर रहे हो तो VFS की वेबसाइट पे जाओ, अपॉइंटमेंट बुक करो, 15-20 डेज में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। उसके बाद आपको एक मेल आता है कि इस दिन इस टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट है। फिर उस दिन जाके वहाँ, अगर आपने प्रीमियम सर्विस लिया है, 2,000 रुपीज़ लगते शायद, तो अगर आपने वो सर्विस लिया तो आपको वहाँ जाके सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लोग आपको एक लिस्ट देंगे कि आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो आप उस डॉक्यूमेंट्स के सेट बनाओगे, 3 सेट चाहिए, और वो 3 सेट आप सबमिट करोगे। तो उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए, आप अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, मतलब ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जॉब के लिए जाओगे, तो वो आपकी प्लेसमेंट जहाँ जिस भी होटल में हुई है, जिस भी कंपनी में हुई है, तो उसका जो एड्रेस है, ऐसी सारी क्वेश्चंस है, आपका अकोमोडेशन का क्या सीन है, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। और आपका जो सरनेम है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स, एड्रेस, वो सारी चीज़ें वो चेक करते एक बार। और फिर आपका होता है बायोमेट्रिक, होता है उसी टाइम पे हो जाता है वो सब, अगर आपने प्रीमियम सर्विस लिया है तो। अगर आपके पास फोटोज़ नहीं है तो ये सारी चीज़ें है ना, वो प्रीमियम सर्विस में इंक्लूड है। तो आपको मतलब ऑब्वियसली आप सेफ्टी के लिए लेके जाओ पहले से, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी वो लोग वहाँ पे खिंचवा देते हैं कि मतलब जो जितने भी फोटोज उनको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिर वो लोग आपका पासपोर्ट और सब डॉक्यूमेंट्स उनके पास ले लेंगे। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, और फिर आपको एक मेल आएगा, मतलब 5-10 मिनट में आपको एक मेल आ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स VFS में सबमिट हो गए। फिर उसके दूसरे दिन भी आपको एक मेल आएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अब VFS से जा रहे कॉन्सुलेट को, तो वो दूसरा मेल आएगा आपको VFS से। अब आपको क्या करना है, वेट करना है 1 मंथ के लिए, मतलब अराउंड आई थिंक 15-20 डेज लगते ही है, लेकिन ज़्यादा से समय मतलब 1 मंथ टू 2 मंथ्स तो आपको वेट करना है। फिर आपको जिस दिन आपका एक मेल आएगा कि आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो हो गया है, आपको जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन वो प्रोसीड हो गया है, तो आपको उस टाइम पे वो लोग रिजल्ट नहीं बताएंगे कि आपको वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है। आपको बस एक मेल आएगा कि आपका वीज़ा का जो एप्लीकेशन वो प्रोसीड हो गया। तो फिर एक मेल आएगा कि VFS से, कॉन्सुलेट से वो VFS में आ गए डॉक्यूमेंट्स, जो चेक आपका पासपोर्ट। और फिर VFS से अगर आपने कुरियर सर्विस लिया है तो आपको एक मैसेज आएगा कि वो हमने कुरियर कर दिया है आपके एड्रेस पे। तो फिर 2 दिन में शायद, मतलब जो भी डिस्टेंस है जहाँ पे अपने इंटरव्यू दिया है, वहाँ से 2 या 3 दिन में आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। फिर आपको पासपोर्ट देखना है, अगर उसमें वीज़ा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका काम हो गया। और अगर नहीं है तो फिर उसके साथ ही एक लेटर आएगा कि क्यों आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उसमें रीज़न बताएंगे कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए या ये चीज़ें थी इसलिए आपका वीज़ा नहीं हुआ है। तो फिर अगर
वो भी हो गया तो कोई मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको बस फिर रीअप्लाई करना है सेम प्रोसेस, उस डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है उस रिक्वायरमेंट के फुल उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है और फिर आपको रीअप्लाई करना है। तो यही सिंपल प्रोसेस है, आप कौन सा भी जर्मनी के लिए वीज़ा अप्लाई करो। जो मेरा एक्सपीरियंस है जब मैंने किया था ट्रेनिंग और हाउस बिल्डिंग के लिए, तो ये वही प्रोसेस था, सिंपल सा प्रोसेस है। जो स्टूडेंट्स वीज़ाज है और उनका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो उनका प्रोसेस और जो ड्यूरेशन है वीज़ा के रिजल्ट का, ये सारी चीज़ें थोड़ी अलग है। जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है और जो ट्रेनिंग वीज़ा है उनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है और काफ़ी सिंपल भी है, मतलब स्टूडेंट वीज़ा के, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो। ये मेरा एक्सपीरियंस था, अभी बहुत सारे रूल्स या मतलब कुछ चीज़ें चेंज भी हो गई होगी, तो आप एक बार वेबसाइट पे चेक कर लो, लेकिन यही प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो हाँ, तो यही था मेरा एक्सपीरियंस वीज़ा का, वीज़ा प्रोसेस जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था। सो थैंक यू।